हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी। इस तरह से बनाना है बहुत आसान, और बिरयानी के साथ खाने के लिए बनाएंगे धनिया पुदीने की चटनी, जिससे बिरयानी का स्वाद और चार गुना बढ़ जाएगा। तो आइए बनाते हैं जल्दी और आसान तरीके से वेज बिरयानी। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बीन्स ली है, एक गाजर, थोड़ी मशरूम, एक नींबू, एक शिमला मिर्च, एक बड़ा प्याज, तीन हरी मिर्च, धनिया, बहुत सारा पुदीना, लहसुन, अदरक, फ्रेश मटर। आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ा या कम कर सकते हैं। आइए सब्जियों को काट लेते हैं। सब्जियों को इस तरह से काटेंगे, ना ज़्यादा बड़े पीस करने हैं ना ही ज़्यादा छोटे पीस करने हैं। शिमला मिर्च के बीज निकाल देंगे। मशरूम के ज़्यादा पीस नहीं करने, अगर छोटा मशरूम है तो दो पार्ट्स में काटेंगे, और अगर मीडियम साइज़ का है तो उसे चार पार्ट में काटेंगे। प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में काटेंगे। लहसुन अदरक को बारीक काटेंगे। सभी सब्जियां काट के तैयार कर ली हैं। चलिए अब बिरयानी बनाते हैं। एक कटोरे बासमती राइस लेंगे, ठीक है, ये कम से कम 250 या 300 ग्राम के बीच में होगा। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आइए अब इसे हम वॉश कर लेते हैं। चावल को 2 से 3 बार धो दिया है। सबसे पहले करेंगे गैस ऑन। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही हल्का सा भून जाए अब इसमें हम चावल डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। जिस कटोरी के माप से चावल लिए थे उसी कटोरी के माप से यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी लेंगे। इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, इसे देखिए इस तरीके से तोड़ के मैंने डाला है, 2 हरी इलायची, इसे मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। मैं इसी में मटर डाल दूंगी क्योंकि मेरी फ्रेश मटर है तो ये पकने में टाइम लगाती है। अगर आपकी फ्रोजन मटर है तो आप बाकी की जो सब्जियां हम भूनेंगे तब आप उस मटर को भी आप भून सकते हैं। ये मेरी फ्रेश मटर है तो मैं इस मटर को भी इसी में डाल दूंगी। बीन्स है, बीन्स को भी मैंने इसी में डाल दूंगी। मशरूम है, मशरूम को भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये मिंट लीव्स है। पुदीने को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे, आप चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देती हूँ लेमन, इसकी मैंने बीज निकाल दी है अच्छे से। मैं 1 छोटा चम्मच करीब इसमें केवड़ा वाटर डाल दूंगी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कुकर का लगा देंगे ढक्कन, और हाई फ्लेम में 2 से 3 सीटी देंगे। जब तक चावल रेडी होते हैं तब तक हम बना लेते हैं धनिया पुदीने की चटनी। चटनी बनाने के लिए धनिया लिया है, पुदीना लिया है। पुदीने की क्वांटिटी धनिया के आधे से थोड़ी कम है। 3 से 4 हरी मिर्च ली है, थोड़ी लहसुन ली है, छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, और दही लिए हैं। दही 150 से 200 ग्राम के लगभग है। अदरक बारीक काट कर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। अभी मैं इसमें 2 चम्मच ही दही डाल रही हूँ जिससे कि धनिया पुदीना आसानी से पिस जाए। अब सब चीज़ों को मिक्सी में पीस लेंगे। जब हमारी चटनी अच्छे से पीस जाए अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच और दही डालेंगे।
और थोड़ा सा मिक्सी को चला देंगे। लीजिए, धनिया पुदीने की चटनी हो गई है तैयार। सीटी आने के बाद गैस को करते हैं बंद। जब तक ये अपने आप ठंडा होता है, आइए तब तक आगे की तैयारी करते हैं। सब्जियां फ्राई करने के लिए दूसरे पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए, इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज जैसे ही सुनहरा हो जाए, इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। भुनने के बाद अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहे तो प्याज को थोड़ा और ब्राउन कर सकते हैं। अब इसमें गाजर डालेंगे। 1 मिनट तक गाजर को चलाते हुए अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 2 मिनट भुनने के बाद आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, कलर के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 2 छोटा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से भून देंगे। मसाले अच्छे से भुनने के बाद फ्लेम को करेंगे लो और इसमें डालेंगे अब हम तैयार किए हुए चावल। एक साथ सारे चावल नहीं डालेंगे, आधे से थोड़ा कम वाइट चावल जो है हम बचा देंगे, उनको हम बाद में डालेंगे। चावलों को हल्के हाथों से सब्जी और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें फ्राई करे हुए हम प्याज डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें वाइट चावल डाल देंगे। अब चावलों को ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब गैस कर देते हैं ऑफ। तो लीजिए, तैयार है हमारे नए तरीके से वेज बिरयानी की रेसिपी। आइए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। वेज बिरयानी का टेक्सचर कितना यम्मी आया है और इसके फ्लेवर्स की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। इस रेसिपी के रिगार्डिंग अगर कुछ मुझे सुझाव हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूं ही देते रहिए अपना प्यार और सम्मान।